खुदा स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नाउ में। बेंगलुरु में नहीं चला कुदरत का निजाम, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर। जी हाँ, अगर बात कर ली जाए मुकाबले में न्यूजीलैंड श्रीलंका का मुकाबला, और एक तरीके से न्यूजीलैंड ने शानदार तरीके से जीत हासिल करी और यहाँ पर पाकिस्तान इस मुकाबले में हार गया। कैसे हार गया उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। दरअसल इस मुकाबले में नजर श्रीलंका से ज्यादा पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान के फैंस, पाकिस्तान की टीम वो लगातार इस मुकाबले पर कुदरत के सामने हाथ जोड़कर बैठी हुई थी कि इस मुकाबले में बारिश हो जाए या फिर न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले को हार जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। न्यूजीलैंड ने एक तरफा अंदाज में श्रीलंका को यहाँ पर धूल चटाया और इसके साथ ही सेमीफाइनल का टिकट भी कटा लिया। मुकाबले की बात करें तो सबसे पहले श्रीलंका की टीम ने बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए थे। श्रीलंका की ओर से कुशल परेरा ने 28 गेंदों पर 51 रन की पारी खेली, बाकी कोई भी खिलाड़ी अच्छी पारी नहीं खेल पाया। गेंदबाजी की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर बोल्ट ने शानदार तरीके से 3 विकेट झटके, उसके अलावा बाकी के गेंदबाजों में लॉकी फर्ग्यूसन और फिर सेंटनर ने भी जबरदस्त गेंदबाजी करी। अब बारी थी रन चेज की, जिसे अगर बात कर ली जाए तो न्यूजीलैंड ने बहुत ही आसान बना दिया। न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर डेविन कॉनवे और इसके अलावा रचिन रविंद्र ने शानदार पारी खेली। रविंद्र ने जहां 42 रन बनाए, वहीं कॉनवे ने 45 रनों की पारी खेलकर शुरुआत ऐसी दे दी कि इस मुकाबले को आसानी से यहां पर न्यूजीलैंड जीत जाए। और बात कर ली जाए, डेरल मिचेल ने भी शानदार तरीके की पारी खेली और इसके साथ ही न्यूजीलैंड इस मुकाबले को आसानी से जल्दी खत्म कर दिया। और यही सबसे खास बात रही इस मुकाबले की, क्योंकि इस मुकाबले को न्यूजीलैंड को बस जीतना ही था। जीतने के बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किल इस लिहाज से बढ़ जाती कि उन्हें अब जब इंग्लैंड को हराना है तो तकरीबन 130 के अलग अंतर से हराना होता। लेकिन न्यूजीलैंड ने क्या किया, इस मुकाबले को जल्दी और ज्यादा जल्दी जीत कर अपना जो है वो रन रेट इतना बेहतर कर लिया कि अब जब रन चेज की बारी आएगी इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में, तो फिर पाकिस्तान के लिहाज से वो रनों का जो अंतर है तकरीबन 200, 250, 300 इस तरीके के अंतरों से जीतना पड़ेगा, जो ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल होने वाला है और पाकिस्तान का सफर खत्म हो चुका है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पहला सेमीफाइनल होगा और दूसरा सेमीफाइनल अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा, ये कंफर्म हो चुका है। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।